हेलो दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक स्टोरी लेके आया हूँ। जीवन में लक्ष्यों को कैसे करें हासिल, अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो उसको हासिल कैसे करेंगे, ये कहानी मैं आपको बताऊंगा। मोटिवेशनल स्टोरी है, भगवान बुद्ध से जुड़ी। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करता है, जिससे वह अपनी योग्यता और अपनी प्रगति का परख करता है। यदि लक्ष्य हासिल नहीं होता तो वह अपनी कमियों को देखता है और उसमें सुधार करता है, ये तो आपको पता ही होगा, और फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करता है। कई लोग अपने लिए लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, उसे पाने के लिए रणनीति भी बनाते हैं, लेकिन वो असफल होते हैं। जागरण आध्यात्मक में आज हम भगवान बुद्ध से एक कहानी जानेंगे कि ये आपको प्रेरणा देगी कि अपने लक्ष्यों को कैसे आप प्राप्त करें। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वह संसार को उस ज्ञान से आलोकित करने निकल पड़े। भगवान बुद्ध किसी गांव में जीवन के विभिन्न आयामों पर प्रतिदिन व्याख्यान देते हैं। उनके प्रवचनों को जीवन में सार छिपा रहता, उनकी बातों को लोग बहुत गौर से सुनते थे। एक वक्त बिना नागा किए उनके व्याख्यान सुनता रहा। काफी समय बीत जाने के बाद उसने अपने अंदर कोई विशेष बदलाव नहीं पाया। इससे परेशान होकर वह एक दिन बुद्ध के पास गया और बोला, वह लंबे समय से एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपने प्रवचनों को सुनता है, आपके प्रवचनों को सुनता, लेकिन इससे उसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। उसकी बातों को सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसके सामने उसके गांव का नाम, वहां तक की दूरी और वहां से कैसे जाता है आदि जैसे प्रश्नों का झड़ी लगा दी। जब बुद्ध ने उसे कहा कि वह क्या हुआ यहां से बैठे बैठे ने अपने गांव पहुंच जाएगा, तो वह झुंझला गया। उसने कहा कि ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, उसे वहां तक पहुंचने के लिए पैदल चलकर जाना ही होगा। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, अब आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको अपने गांव का रास्ता पता है लेकिन इस जानकारी का व्यवहार में लाए बिना वो नहीं पहुंचा जा सकता, उसी प्रकार यदि आपके पास ज्ञान है और उसे आप इसे अपने जीवन में अमल लाए बिना एक बढ़िया इंसान नहीं बन सकते। ज्ञान का वो अपना व्यवहार में लाना आवश्यक है। इसके लिए आपको दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर प्रयास करना चाहिए। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती।